एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ट्रेंडिंग लटकन डिजाइन बताऊंगी बनाकर, जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए कितना प्यारा इस तरीके से हमने फोर लेयर में लटकन बनाया है। इस तरीके का लटकन आप किसी भी स्कर्ट में, ब्लाउज में, क्रॉप टॉप में आप वेयर कर सकते हो। तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो चलिए इसको बनाने के लिए हमने लिया है मैरून कलर की नेट की फैब्रिक और ये गोल्डन कलर की चंदेरी की फैब्रिक। इसी से हमने बनाया है क्योंकि ये मेरा लॉन्ग गाउन का लटकन है जो कि मैरून कलर की है और गोल्डन कलर की हमने इसमें लेस लगाई है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने एक इंच चौड़ी फैब्रिक जो कि हमने मैरून कलर की लिया है, जो मैन वाली होगी, ये हमने चंदेरी का लिया है एक इंच चौड़ी। अब इसकी हम पहले डोरी बना लेंगे प्लेन सा, सिंपल सा। तो ये हमने 17 इंच लंबी ली है और एक इंच चौड़ी ली है। तो इसकी डोरी हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं बनाती हूँ। तो इसको इस तरीके से लेना है, यहाँ हमें डबल करना है, पूरे पे सिलाई लगा देना है। तो वो सिलाई को लगा देती हूँ। पूरे को पहले सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने पूरे पे सिलाई लगा लिया है। अब क्या करते हैं, यहां से कर लेते हैं इसको कट। अब इसको हमें पलटना है, तो वो मैं कैसे पलटूंगी वो देखिए। तो एक हमने ये झाड़ू का तिनका ले लिया है, इस तिनका से हमें इसको सीधा पलट लेना है। तो वो पलट लेती हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा फैब्रिक पकड़ते हुए इसको पकड़ना है और इसको पलटना है। तो पलटने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वाला फैब्रिक निकले नहीं। तो इसी तरीके से हम पलटेंगे। हमने इससे पहले भी बहुत सारी डोरी बनाने का मेथड बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पे आपको मिल जाएगी बहुत सारी डोरी की डिज़ाइनिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वहां से आप, हमने इससे पहले भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग शेयर किया हुआ है, ये और भी लेटेस्ट में चल रहा है, इसलिए मैं ये भी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो इसको पहले हम पलट लेंगे। देखिएगा, बिना सुई, बिना धागे का इस तरीके से आप इजीली इसको पलट सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए, ये अब क्या करना है, ये डोरी बन गई। अब हमें इसकी ये फैब्रिक लेनी है, गोल्डन वाली, और नेट लेनी है। तो यहाँ हमने गोल्डन वाली फैब्रिक ले ली और ये हमने नेट ले ली जो कि हम फिल बनाएंगे, चून बनाएंगे। तो ये हमने 5.5 लिया है, इधर से भी 5 इंच, इधर से भी, इधर से भी, ये 5.5 का है। इसको हमें क्या करना है, इसको इस टाइप से हमें करना है डबल और उसके बाद से हमें बनाना है फिल। तो वो हम फिल कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो इस टाइप से हम इसको कर लेंगे डबल, जो कि हमने 2 इंच चौड़ी कट किया हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, बनाना है फिल। तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, जो कि बिल्कुल आसान हो, जो बिगनर है उनके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। इस तरीके से फिल को हमें इसी तरीके से डालना है। ये शाइनिंग वाली नेट है, ये
जिसका हमने गाउन बनाया हुआ है। गाउन का कटिंग स्टिचिंग हमने दोनों बताया है, दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक ही वीडियो में हमने कटिंग स्टिचिंग दोनों बताया है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये देखिए हमने फिल रेडी कर लिया, अब हमें इसमें अटैच करना है तो वो करते हैं। तो ये देखिए हमने फिल को रख लिया। अब ये फैब्रिक जो हमने चौकोर कट किया हुआ है इसको हमें डबल करना है इस टाइप से। ये देखिए अब हमें इसके ऊपर डालना है। तो इस तरीके से आपको जितना लेयर लगाना है आप उतना लेयर बना सकते हो। तो आप कितना स्टेप का ये लगाना चाहते हो वो आप बना लीजिए। तो मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ और यहाँ से। तो इस टाइप से हमने रेडी किया। इसी टाइप से हमें तीन चार रेडी कर लेना है, जितना लेयर का आपको बनाना है उतना लेयर आप रेडी कर लीजिए। तो मैं देखती हूँ 3 या 4 लेयर बनाऊंगी। इस तरीके से हमने 4 लेयर बना लिया है। अब इसको हम करते हैं अटैच। अटैच करना भी बिल्कुल ईजी है, तो चलिए अटैच कैसे होगी तो देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने 4 लेयर बनाया है क्योंकि हमें 4 लेयर में ही डोरी लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको लेंगे, ये वाले को लेना है इस तरीके से, इसमें डालना है, फिर हमें इसको इस टाइप से करना है और क्या करना है सिलाई लगाना है। तो वो सिलाई हम लगाएंगे कैसे वो देखिए। यहाँ से लेंगे हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए हम इसको सिलाई को लगा देंगे। तो यहाँ से हमने ये वाले सिलाई लगा लिया है, इसको हम क्या करते हैं पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी साइज आप कितना रखना चाहते हो, बड़ी छोटी वो आप रख सकते हो। ये फील बड़ी भी अच्छी लगती है और छोटी भी अच्छी लगती है, दोनों प्यारी सी लगती है। तो आप अपने साइज देख लीजिएगा आपको कौन सा साइज पसंद आ रहा है, और सबको मैं बराबर कर लूँगी ताकि एक भी बड़ा छोटा ना हो। नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी रहती है तो खूबसूरत लगती है, ऐसे आप नीचे वाली थोड़ी बड़ी लगाएं जो और भी अच्छी लगेगी। तो इस फिल को हम यहाँ से इस टाइप से नापेंगे, यहाँ तो सेकंड वाली फिल यहाँ जा रही है। तो मैं क्या करूँगी इस तरीके से यहाँ से लेंगे ये और इसको इस तरीके से ये, अब यहाँ पे सिलाई को हम लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागा जो है उसको हम हटा लेंगे। अब इसको भी हम पलट लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत ये फिल बनते जा रहा है। अब हम लगाते हैं 3rd नंबर को। अब बनाते हैं 3rd नंबर वाली। तो इस तरीके से फिर लेंगे, फिल को नाप लेना है यहाँ से। तो फिर हम यहाँ से फिल को लगाएंगे, ये जो हमने बनाया हुआ है इस तरीके से लेना है। इसको करना है डबल और इसको फिर यहाँ से सिलाई को लगा देना है। अब यहाँ से इसको पलट लेना है। अब लगाते हैं 4th नंबर वाला। जितना लेयर आपको बनाना है उतना आप लगा सकते हैं, 3, 4, 5, 6 आप पूरा में भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा बांधने वाला छोड़कर आपको कैसा पसंद है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ से हम थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, धागा निकल गया था तो फिर इधर का मिलाएंगे। तो फिर हम यहाँ से इसको लेंगे, ये
ये रहा, इसको कर लेंगे हम डबल ये, और उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई को लगा देंगे। तो देखिए दोनों में हमें 4-4-4 का लगाना था, 4-4 लेयर का। ये बहुत खूबसूरत लगती है फ्रेंड। देखिए ये हमने गाउन बनाया है नेट का, उसी नेट से हमने नीचे फिल लगा लिया। और ये चंदेरी का साइनिंग वाला फैब्रिक मेरे पास था ऑलरेडी पहले से, तो मैंने इसका ही बना लिया। ये लेयर बनकर कितना खूबसूरत लग रहा है, हमने दोनों स्टेप बना लिया है। अब इसको मैं फ्रॉक के नेक पे लगाऊंगी, टाँकूंगी, तो वो आप किसी भी गाउन हो, फ्रॉक हो, किसी भी डिज़ाइनिंग में आप ये बना सकते हो। ये DIY है, बहुत खूबसूरत लगती है बनाने पहनने पे, तो और भी अच्छी लगेगी। ये लटकन रेडी कंफर्टेबल भी होता है, आप इसको सोएंगे या लेटेंगे तो आपकी ये कभी गड़ेगी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी है, तो आप इसको कहीं भी वेयर कर सकते हो। तो मैं इसको लगा लेती हूँ नेक पे, फिर दिखाती हूँ। दोनों डोरी को हमने ये नेक पे लगा लिया है, पूरी को सो करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है नेक में अटैच होने के बाद। इस तरीके से आप फुल भी लगा सकते हो। इस तरीके से मैं इसको सेट कर लेती हूँ, तो पहनने के बाद कुछ इस टाइप का लगेगा। ये हमने गाउन बनाया था जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इस गाउन कटिंग एंड स्टिचिंग की। तो फ्रेंड्स गाउन में आप इस तरीके से लटकन लगाएंगे, बहुत खूबसूरत लगेगी पार्टी वेयर जैसे। तो मैं पूरे को शो करके अच्छे से दिखाती हूँ। ये इस तरीके से इसका पूरा लटकन का शो है। इस तरीके से हमने लेस लगा के नेक बनाया है, बहुत खूबसूरत लगेगी ये। आप बनाएंगे अपने कोई भी ड्रेस में आप लगा सकते हो। तो मुझे तो ये लटकन के डिज़ाइन बहुत पसंद है। आप लोग को कैसे लगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा और बताइएगा। इस तरीके से इसकी फ्रिल आप देख सकते हैं, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। इसकी फ्रिल कुछ इस टाइप से लगती है। होप ये डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी लटकन की। पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल।